अभी हम जो नेक्स्ट जो हमारा पत्र है वो है भवान किंशुक भवतः मित्रम कांत मुंबई इति नगरे वसति ग्रीष्मावकाशे तम स्वगृहम आमंत्रयितुम लिखितम पत्रम मंजूषायाः सहायतया पूरयित्वा पुनः लिखतो। ठीक है, तो जब भी आप लेटर लिखोगे तो लेटर लिखते समय जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चीजें ध्यान रखना है, कौन बताएगा? यस, कोई बता सकता है क्या 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 ध्यान रखना है? किसने लिखा, किसके बारे में है, और सर जो लेटर लिख रहा है वो अंत में आएगा उसका नाम। ये ट्रिक है कि जो लेटर लिखेगा वो लास्ट में आएगा। अभी देखो यार, लेटर लिखने वाला कौन है? किंचुक। किंशुक किंशुक मतलब किंशु को कहा आएगा? अंत में अंत में आएगा। तो हम देखे उसे फिल करके रखते, फिलहाल फिल करके रखते, यदि कुछ चेंजेस लगता है तो हम बाद में उसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। मगर जो हमारा जो बेसिक नियम है किन शुक, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ किन शुक को डाल देते। आपको दिख रहा है ना मैं जो टाइप कर रहा हूँ? यस सर। ओके, तो लेटर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है, यदि आपको आउट ऑफ मार्क लाने हैं तो प्रैक्टिस ही सबसे एक आसान तरीका है। आप जितने लेटर की प्रैक्टिस करोगे उतना काम आपका आसान होगा। अभी जैसे मैं जैसे हमने पहला जो लेटर किया, ठीक है, उसमें हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी। अभी आप देखोगे आगे भी जितने जितने हम लेटर करते जाएंगे ना, कुछ शब्द बार 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 आते रहेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं कौन कौन से डबल आते हैं। और जो जिस समय जो मुझे लगता है कि आपको बताना चलेगा। चाहिए, इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको बताते जाऊंगा। और यदि आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप वो भी पूछ सकते हो। नैनीताल नगर तो, अभी यहाँ ऑलरेडी एड्रेस दे दिया है, नैनीताल नगर तो। ओके, यहाँ दो तरह से होता है, या यहाँ नगरत ऐसे भी लिख सकते हैं, आप पंचमी भी दे सकते हैं। मैं यहाँ तो आपको लिखकर दिखाता हूँ, नैनीताल नगरात ऐसे भी हो सकता है, या तो नैनीताल नगरत, इसका मतलब होता है नैनीताल नगर से, शहर, नगर मतलब शहर। अभी तिथि का मतलब होता है डेट, बहुत बार यहाँ गड़बड़ हो जाती है, तिथि का मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता है और गलत कर देते, तो तिथि ही मतलब डेट होता है। तो डेट कौन सी लिखोगे आप? कोई भी लिखोगे, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उसी दिन की भी डेट आप लिख सकते हो, कोई भी। जैसे आज की डेट क्या है, 25 है, ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूँ, ओके, ये डेट हो गई। और डेट को मार्क नहीं होते, पहली बात तो देखिए क्लियर कर लेना, कभी भी नहीं। प्रिय मित्र कांत, देखो अभी जिसे लिखा जा रहा है, अभी हमने इस पर डिस्कस नहीं किया, हमने बस यही डिस्कस किया कि भगवान किंशुक, आप किंशुक हो, और भवतः मित्रम कांत, आपका दोस्त कांत है, मतलब आप कांत को लेटर लिख रहे हो, और वो कहाँ रहता है? मुंबई नगरे, ठीक है, मुंबई नगर में रहता है। और ग्रीष्मावकाशे तम स्वगृहम आमंत्रे तुम, ओके, और ग्रीष्मावकाश मतलब जो समर वैकेशन है उसमें आप उसे अपने घर बुलाना चाहते हो। तो ये दो तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तो आपको लेटर आसानी से आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो प्रिय मित्र कांत, अभी ऑलरेडी कांत दे दिया, नहीं तो ज्यादातर एग्जाम में जिसे हम लेटर लिख रहे वो भी फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए रहता है, ओके, उसकी भी ब्लैंक्स रहती है, तो उसको संबोधन में रहता है, जिसे हम लेटर लिख रहे हैं वो हमेशा संबोधन में रहता है। संबोधन, जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ कोई आपको विभक्ति दिख नहीं रही होगी, राइट, सॉरी, यहाँ संबोधन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना आपको कांत, तो ये पता है ना संबोधन है, आपको पता है ना? हेलो, यस हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो जिसे हम लेटर लिखते, और यदि वो स्टार्टिंग में आता है तो ज्यादातर संबोधन ही होता है, हे प्रिय मित्र कांत, हे प्यारे दोस्त कांत, सप्रेम नमः, सप्रेम नमस्कार, ये भी शब्द काफी बार बार आते संबोधन रहता है का एग्जाम में। मतलब सॉरी क्या होता है? संबोधन सॉरी, का मतलब क्या होता है? संबोधन का मतलब जब हम किसी को पुकारते हैं तब हम संबोधन का यूज करते हैं। जैसे आप कहीं दूर खड़े हो, ठीक है, और मुझे आपको आवाज देना है, जैसे आपका नाम को, जैसे मैं कोई नाम रख देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ कौन है, गौरी है, ठीक है, तो जैसे आप गौरी हो तो मैं कहूंगा हे गौरी, ठीक है, तो बस उसे पुकारने के लिए, दूर के व्यक्ति को पुकारने के लिए। तो उसी तरह से जब हम पत्र में जब हम किसी को
संबोधित करते हैं, मतलब किसी को खास खास तरह से उसका नाम लेते, तब हम संबोधन यूज करते हैं। तो प्रिय मित्र कांत, हे प्रिय मित्र कांत, ऐसे होता है। उसे संबोधित करना मतलब उसे हाईलाइट करना, सिंपल, उसे हम हाईलाइट करके आगे का टॉपिक लिख रहे, इसलिए तब उस समय हम संबोधन यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना डाउट? यस सर। ओके, तो सब प्रेम नमः, सब प्रेम, प्यार से नमस्कार, प्यार के साथ नमस्कार, ये भी शब्द काफी बार बार आता है। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, ठीक है, अत्र कुशलम तत्र अस्तु, देखो ये शब्द पहले हमारे फर्स्ट लेटर में आ चुका था, राइट। अत्र कुशलम कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए भी आता है। अभी फर्स्ट में क्या होगा, अत्र कुशलम तत्र अस्तु, कोई बताएगा? इच्छामि। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, नहीं है अभी, यहाँ तो हो गया। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, यहाँ कुशले वहां भी हो, ये तो क्लियर हो गया। तो डैश व्यस्ततया अहम त्वाम पत्रम लेखितुम समर्थन आसम, बिजी होने के कारण मैं तुझे लेटर नहीं लिख पाया, ऐसे होता है। तो किस में बिजी होने के कारण? सर परीक्षायाम। वेरी गुड, परीक्षायाम। और यदि कुछ चेंजेस रहते हैं, देखो हम क्या करते हैं, लेटर जब फिल करते हैं तो जो जब जो हमें सही लगता है मीनिंग की अकॉर्डिंग, उस तरह से हम फिल करते जाएंगे, ठीक है। और यदि बाद में हमें कुछ गड़बड़ लग रही है तो फिर लास्ट में जब हम पूरा करेंगे तब हमें पता चलेगा कहीं गड़बड़ हुई तो नहीं, तो फिर हम उसे वापस करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों को भी सजेशन देता हूँ कि जब आप लेटर करते हो तो आप क्या कीजिए, पहले उसे इसमें लिखिए, पेंसिल से लिखिए आंसर, और फिर बाद में उसे पेंसिल लिखिए पूरा होने के बाद। तो परीक्षा, परीक्षायाम, ठीक है, परीक्षायाम, ओके, परीक्षायाम व्यस्ततया, ठीक है, परीक्षायाम व्यस्ततया, ओके, आगे अहम त्वाम पत्र तुम समझ, ओके, अतः डैश, अतः डैश अस्मिन मई मासे तव ग्रीष्मावकाश भविष्यति, इसलिए। सर क्षमा प्रार्थी, राइट, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, तो क्षमा प्रार्थी, ठीक है, क्षमा प्रार्थी, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। फिलहाल तो हमें वही ठीक लग रहा है, तो हमने वही फील किया, अतः इसलिए क्षमा प्रार्थी। अस्मिन मई मासे, इस मई मास में ग्रीष्मावकाश भविष्यति, ग्रीष्मावकाश समर वैकेशन है, अहम डैश यत अस्मिन अवसरे त्वम मम गृहे गृहम नैनीताल इति नगरम आगच्छे है, ओके, अहम क्या होगा, इच्छामि, राइट, अहम इच्छामि। अभी देखो अहम है तो हमें अहम से पता चलता है कि यहाँ उत्तम पुरुष यूज करना है, यदि आपको सेंटेंस मेकिंग आती है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पत्र लेखन के लिए सेंटेंस मेकिंग आना बहुत जरूरी है, बेसिक सेंटेंस आना जरूरी है, क्योंकि अहम है तो उत्तम पुरुष है, तो कोई ना कोई इच्छा मतलब उत्तम पुरुष का ही रूप आना चाहिए। तो अहम इच्छा में मैं क्या चाहता हूँ, यह कि इस अवसर पर मतलब इस समर वैकेशन में तुम मेरे घर आओ, ठीक है। अस्य स्थानस्य अद्भुतम, क्या है अद्भुत, सौंदर्यम, वेरी गुड, सौंदर्यम, सौंदर्यम, ठीक है, बहुत अच्छा सुंदरता है यहाँ, तो आप यहाँ आ जाइए। तव महानगरीय अशांतिम दूरी करिष्यति, ओके, तू जो बॉम्बे में रहता है, मुंबई में रहता है, वहां जो गाड़ियों की आवाज, उसके वजह से तू जो परेशान होता है, यहाँ आ जाओ, यहाँ बहुत ही अच्छा नेचर है। अत्र शांत वातावरणम, यहाँ बहुत शांत वातावरण है, बहुत कूल है। सर्वत्र डैश, हर जगह पर क्या है, हरी, हरितिमा मतलब हरियाली, ठीक है, हर जगह पर हरियाली हरियाली है। और रमणीयानी दर्शनीयानी स्थानानी, बहुत रमणीय सुंदर या स्थान जगह है। तव श्रांताय मतलब तेरी थकान के लिए, क्या होगा, मन से, ओके, श्रांताय और मन से मतलब ओके,
थके हुए मन के लिए, देखो कैसा मीनिंग है, थके हुए मन के लिए और थके हुए मन के लिए शांतिम सुखम च प्रदास्यन्ति, शांति और सुख देंगे। मम परिवारस्य अपि डैश हार्दिक कामना, मेरे परिवार की भी। हाँ यहाँ क्या आएगा, एशैव, राइट, एशैव, यही, एशैव मतलब यही, यही इच्छा है कि तुम अच्छा रहो, फ्रेश रहो, शांत रहो, सुखी रहो, खुश रहो, ऐसी मेरी पूरी परिवार की इच्छा है। भवान स्वागमनम शीघ्रम सूचयतु, आप अपना जो आना है वो जल्दी हमें बताइए, ठीक है। पूज्य पितृव्याम च मम प्रणामः, प्रणामः मतलब आदरणीय पिताजी को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। निवेद्यताम बताइए, भगिन्यै च स्नेह मतलब छोटी बहन तो स्नेह प्यार उसके लिए, भवतः पत्रोत्तरम, पत्रोत्तरम आपके पत्रोत्तर मतलब लेटर का जो आंसर है उसका हम वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षमान हा, मैं वेट कर रहा हूँ। तव अभिनम मित्रम किंशुकः, ठीक है। तो इस तरह से लेटर, तो अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई, कहा कई जगह पर गड़बड़ नहीं लग रही है, इसका मतलब हमारा पूरा लेटर सही है, ठीक है। तो हम कभी कोई चेंज नहीं करेंगे, तो आगे भी काफी सारे लेटर है तो आप मुझे बताइए। ओके हाँ, नेक्स्ट और एक बात कहना चाहता हूँ मैं, आप मुझे बताइए नेक्स्ट कौन सा टॉपिक, कौन से टॉपिक पर डिस्कस करें, लेटर पर ही करें या और किसी टॉपिक पर डिस्कस करें, बताइए सर। या फिर अनुच्छेद, चित्र वर्णन, ओके चित्र वर्णन पर नेक्स्ट क्लास करते हैं, और लेटर पर भी करेंगे, मगर हम कैसे करेंगे, अभी जैसे लास्ट क्लास में हमने अनुवाद पर डिस्कस किया था, राइट, याद होगा आपको, शायद आप होंगे पता नहीं मुझे, मुझे पता नहीं अभी कौन कौन थे लास्ट क्लास में, अभी इस क्लास में हमने लेटर किया, दो लेटर किए, और नेक्स्ट क्लास में आप बोल रहे हो चित्र वर्णन करना है, ठीक है, तो चित्र वर्णन करेंगे। तो हम हर क्लास में ऐसे टॉपिक चेंज करते रहेंगे। हाँ तो आपको कुछ पूछना है, थोड़ा सा टाइम है, और मैं ये भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है, रिवीजन हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, और बिल्कुल क्लास फ्री है, ठीक है, और उन्हें बोलिए कि गूगल क्लासरूम पर ज्वाइन हो जाइए, आप किसी वीडियो के हमारे जो होम पेज पर जाओगे यूट्यूब के, तो किसी वो जो वीडियो है मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसके नीचे गूगल क्लासरूम की लिंक है, उसके थ्रू आपको ये लिंक मिलती जाएगी जूम क्लास की, ठीक है। तो उन्हें बताते जाइए, जो भी आना चाहते सीखना चाहते तो उन्हें फायदा होना चाहिए। हाँ कोई कुछ पूछना चाहता है, सम्यक कुछ पूछना चाहता है शायद। हाँ सर, एक्चुअली जैसे मैं तो अभी सातवीं में ही हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि टेंथ में कैसा या नाइन्थ में कैसा आएगा, बट जस्ट ये पूछना था कि हमें भी ऐसे पूरा पत्र को कॉपी करना पड़ेगा कि हम 1, 2, 3, 4 में हम ओनली जो मंजुषा से हम ऑप्शंस लिखेंगे। हाँ वैसा भी कर सकते हो, मगर यदि आपके पास टाइम है, यदि एग्जाम में यदि 2 आवर्स का पेपर है और यदि आपके पास टाइम, तो आप पूरा लेटर लिखिए और अंडरलाइन कीजिए। वैसे टेंथ में भी बच्चे अंडरलाइन ही पूरा लेटर नहीं लिखते, बस नंबर डालकर आंसर लिखते हैं, जैसे 1 नंबर परीक्षा, 2 नंबर क्षमा प्रार्थी, ऐसे ही करते हैं, मगर एग्जाम जो जो क्वेश्चन होता है वहां ऐसे लिखा जाता है कि पूरे इतवा पुनः लिखतो, मतलब फिल करके वापस लिखिए, पूरा लेटर लिखिए, मगर यदि आप आंसर लिखते हो तो भी आपके मार्क कट नहीं किए जाते हैं, ठीक है, बोर्ड में तो नहीं करते, मगर मैं चाहता हूँ कि संस्कृत में काफी सारा वक्त रहता है तो आप पूरा लिखिए और अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। हाँ सर, मैं वैसे ही करूँगा। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है सर? सर आप, हाँ आपकी आवाज रुक गई शायद। ओके 3 ही मिनट बाकी, पूछिए जल्दी। सर क्या आप एक और ऐसी फ्री क्लास एक बार संधि और समास पे ले सकते हैं? सम्यक समास तो आपको नहीं है सेवंथ में? समास नहीं है सर, बट
यहाँ पर पता नहीं वो कोई सी भी टेक्स्ट बुक उठा लेते हैं और फिर उसमें से बताते नहीं कि क्या ग्रामर में आएगा, और हमारी एनसीईआरटी नहीं चलती है तो ग्रामर हमारा काफी डिफरेंट रहता है नॉर्मल स्कूल से। आपकी कौन सा बोर्ड है? देखो, सीबीएसई ही है बट वो डिफरेंट बुक्स यूज करते एक्चुअली हैं। देखो, 7th क्लास के लिए ज्यादा ग्रामर होता ही नहीं है। संधि भी, स्वर संधि, एक दो संधि रहती है, ठीक है ना। तो अभी वहां के सर पर डिपेंड हो किस तरह से कर रहे हैं। मगर आपको पहले वो बताते बताएंगी, समास तो नहीं रहते, समास सिर्फ 10th में आते हैं। मगर अभी जो हम सीख रहे हैं ना, वो अभी जो सेकंड टर्म जो एग्जाम है 10th क्लास की, मैं उनकी प्रिपरेशन के लिए ये क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। यदि आप ज्वाइन होते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। मगर ये मैं ज्यादातर 9th और 10th को फोकस करके ही क्लास लेता हूँ। और हाँ ये हर सर, संडे को होती है, हर संडे को। इस संडे को नहीं हो पाई, इसलिए हमने आज ये क्लास अटेंड की है। हाँ, और कोई कुछ पूछना चाहता है? 1 मिनट बाकी है। एक्चुअली ऐसा वेट कोई वेट, सम्यक आप रुके, कोई और पूछना चाहता है? हाँ टर्म 2 के लिए भाषिक कार्य का प्रैक्टिस जरूरी है क्या, क्योंकि नहीं, सैंपल जरूर, कोई पेपर। जरूरत नहीं है भाषिक कार्य, ज्यादा जरूरत नहीं है। सीन अनसीन पैसेज में भाषिक कार्य आता है तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आता है, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म में उसकी काफी सारी प्रैक्टिस की, आपने भी की होगी, राइट। तो इस बार आपको आपको ज्यादा फोकस करना है पत्र लेखन, अनुवाद, चित्र वर्णन, और चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। अन्वय है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। भाषिक कार्य जो है वो 3 ही मार्क का रहेगा, 3 या 4 मार्क का, ठीक है। तो पेपर में कितने मार्क का है, ठीक है, आप यदि सैंपल पेपर देखोगे तो मेरे ख्याल से 3 ही मार्क का होगा, ठीक है। तो उसमें ज्यादा उस पर उसकी भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, मगर वो हम अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उसकी भी हम क्लासेस लेंगे। हाँ, यस, बोलिए। हाँ, और कोई पूछना चाहता पर है? बच्चे चित्र वर्णन करते हैं, लेकिन अनुच्छेद के आप कुछ ट्रिक्स और टिप्स बता सकते हैं क्या अनुच्छेद बताऊंगा लेखन? बताऊंगा, अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में चित्र वर्णन के साथ साथ अनुवाद भी, अनुच्छेद की भी प्रैक्टिस करेंगे, या तो फिर मैं उसके लिए और सेपरेट क्लास लूंगा चित्र वर्णन होने के बाद, ठीक है। तो अभी यस हमारा सर, एंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं एक्सक्यूज, चाहता हूँ कि, हाँ, यस, बोलिए। अनुच्छेद लेखन डिलीटेड पार्ट है ना? हाँ, नेक्स्ट क्लास अनुच्छेद रिलेटेड या तो चित्र वर्णन, दोनों मिक्स रहेगा, क्योंकि दोनों और के लिए आते हैं, आपको पता होगा। या तो चित्र वर्णन करो या तो अनुच्छेद लेखन करो, तो हम दोनों एक साथ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर तो ये यस, 6 बजे होगी क्या सुबह?